इरडा की ओर से बनाई गई एक कमेटी ने हेल्थ इंश्योरेंस एक्सक्लूजन रूल्स स्वास्थ्य बीमा से बाहर रखे जाने के नियम में कई बदलाव किए हैं। इन बदलावों से पॉलिसी होल्डर्स बीमा धारकों के लिए कवरेज बेहतर हो जाएगी, बता रही है प्रीति कुलकर्णी। छोटा वेटिंग पीरियड। अब बीमा कंपनियां हाइपरटेंशन, डायबिटीज और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए 1 से 4 साल तक का वेटिंग पीरियड नहीं रख सकेंगी। वेटिंग पीरियड वह समय होता है जिसके दौरान आप किसी बीमारी के लिए बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। कमेटी ने वेटिंग पीरियड की अधिकतम अवधि 30 दिन करने की सिफारिश की है, बशर्ते ये बीमारियां पॉलिसी लेने से पहले की न हो। पैनल ने सुझाव दिया है कि लगातार 8 साल रिन्यूअल हो चुका हो तो बीमा कंपनियां इस आधार पर किसी क्लेम पर सवाल नहीं कर सकती कि पहली पॉलिसी लेते वक्त कोई बात नहीं बताई गई थी। हालांकि फ्रॉड का मामला हो तो यह नियम लागू नहीं होगा। इससे पॉलिसी होल्डर्स की यह चिंता दूर होगी कि वर्षों तक समय पर प्रीमियम चुकाने के बावजूद उनके क्लेम खारिज किए जा सकते हैं। हालांकि पॉलिसी पर सभी तरह की सब लिमिट्स को पेमेंट क्लॉज और डिडिक्टेबल्स लागू होंगे जो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए हों। इन रोगों का अनिवार्य कवरेज। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पॉलिसी जारी होने के बाद हर तरह की हेल्थ कंडीशंस को पॉलिसी के तहत कवर किया जाना चाहिए और इन्हें स्थायी रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है। हालांकि पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में जिन बीमारियों, मसलों, बांझपन एवं प्रसव आदि का जिक्र नहीं किया गया हो वे इस नियम के दायरे में नहीं आएंगी। इसमें कहा गया है कि अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग, एड्स, एचआईवी और मॉर्बिड ओबेसिटी जैसी बीमारियों को कवरेज के दायरे से बाहर करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ऐसे रोगों की स्पष्ट परिभाषा। कमेटी ने सिफारिश की है कि व्याख्या को लेकर विवाद से बचने के लिए पहले से हो चुके रोगों की सरल परिभाषा दी जानी चाहिए। जिस तरह की परिभाषा का सुझाव दिया गया है उसके मुताबिक कोई भी ऐसी स्थिति, बीमारी या चोट जिसका पता पहली पॉलिसी खरीदने से पहले चल चुका हो, जिसके लिए किसी फिजिशियन से मेडिकल एडवाइस या ट्रीटमेंट ली गई हो। इसके अलावा रिपोर्ट में पहले से मौजूद रोगों का पता बाद में चलने की सूरत में बीमा कंपनियों के लिए कुछ विकल्प दिए गए हैं। रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर निखिल अप्पे ने कहा, बीमा कंपनी नॉन डिस्क्लोजर के आधार पर पॉलिसी रद्द करने के बजाय ऐसी बीमारियों के लिए एक वेटिंग पीरियड तय कर सकती हैं। हालांकि यह विकल्प कमेटी की ओर से सुलझाए गए मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान ही उपलब्ध होगा। गंभीर हालत वालों के लिए कवरेज। कैंसर रोगियों, मिर्गी के मरीजों और शारीरिक अपंगता वाले लोगों को प्राय उनकी सेहत की हालत के आधार पर कवरेज देने से इनकार कर दिया जाता है, यहाँ तक कि ऐसी बीमारियों के लिए भी जिनका इन रोगों से कोई संबंध नहीं हो। कमेटी ने अब सुझाव दिया है कि बीमा कंपनियों को ऐसे लोगों को भी हेल्थ कवर देना चाहिए और इसमें यह शर्त रखी जा सकती है कि पहले से मौजूद कुछ खास रोग पॉलिसी की अवधि में कवर नहीं किए जाएंगे। उपचार की उन्नत प्रक्रिया का कवरेज। रेगुलेटर ने एक हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह कमेटी भारतीय बाजार में पेश की जाने वाली उपचार की अत्याधुनिक प्रक्रियाओं और दवाओं को शामिल करने के बारे में सलाह देगी। Quvforks.com में लाइफ एंड स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव्स के डायरेक्टर महावीर चोपड़ा ने कहा, यह एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करेगी। पॉलिसी होल्डर रुपए पैसे के असर की चिंता किए बिना उन्नत तरीकों से उपचार करा सकेंगे। कमेटी की ओर से दी गई लिस्ट में शामिल किसी भी प्रोसेसर को बीमा कंपनियां पॉलिसी कवरेज से बाहर नहीं कर पाएंगी। कमेटी हर साल लिस्ट में शामिल प्रोसेजर्स की समीक्षा करेगी। इरडा की समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि बीमा कंपनियां ओरल कीमोथेरेपी और पेरिटोनियल डायलिसिस के क्लेम्स खारिज न करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करना न भूलें।